हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है फ्राइडे, तो बात करेंगे एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक की। और आज का टॉपिक इंश्योरेंस रिलेटेड है और टॉपिक आप देख के ही आए होंगे। तो बात करेंगे हम यूलिप के बारे में कि यूलिप में अगर हमें सरेंडर करना हो तो क्या करें, ठीक है, और कैसे, क्या प्रोसेस है, कितने चार्जेस हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि रिपब्लिक जो ये कूपन कोड अभी चल रहा है, जो 55% डिस्काउंट आपको देता है ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियोज़, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है वो सब्सक्राइब, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं, जिसको रेफरेंस पोर्टफोलियो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसको एज इज भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, राइट। बट इट रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस बेसिस पे स्टॉक और बाइंग सेलिंग होती है। तो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें 55% डिस्काउंट, और साथ में एक फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स भी कंप्लीटली फ्री वी आर गिविंग वर्थ ₹3,000 विद दैट। तो वो ज़रूर चेक कीजिए हमारी वेबसाइट investedinnow.in पे। तो बात करते हैं यूलिप के बारे में। तो अभी नाउ जैसे बजट आपने देखा होगा 2023 का, राइट, तो काफ़ी सारे अभी न्यू टैक्स रिजीम पे गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम, है ना, फ्रॉम FY24 परस्पेक्टिव। तो इसीलिए काफ़ी सारे क्वेरीज हमें इस बात के लिए आई कि सर मेरी एक कोई पॉलिसी चल रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी या यूलिप चल रहा है, तो हम इस पे वीडियो इज़ ऑन यूलिप, तो यूलिप चल रहा है तो मैं उसको रोक दूँ क्या, क्योंकि मुझे अब मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता हूँ, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैं क्यों कंटिन्यू करूं एक अपनी यूलिप पॉलिसी, मुझे टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, तो मैं उसको बंद कर दूं क्या, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो यही है, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वी शुड नॉट मिक्स, तो वो तो एक हमारा कंसिस्टेंट रहता ही है कि आपको एनीवेज नहीं लेना चाहिए था, टैक्स बेनिफिट मिले चाहे ना मिले, एनीवेज इट्स नॉट अ प्रोडक्ट वी शुड इन्वेस्ट, हमें इंश्योरेंस और टैक्स इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए, इंश्योरेंस सेपरेट रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सेपरेट रहना चाहिए। अब अगर आपने लिया है तो उससे निकले कैसे, उसके बारे में ये वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो पहला कि 5 ईयर का लॉक इन रहता है यूलिप्स का, तो अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 साल आपने प्रीमियम दिया है, चाहे आपका 10 साल का हो चाहे 15 साल का, मतलब आपका प्रीमियम पेमेंट टाइम हो, ठीक है, टर्म कोई भी हो पॉलिसी का, लेकिन अगर आपने 5 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो भी आपकी नेट एसेट वैल्यू है, क्योंकि यूलिप इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट फंड्स, राइट, तो जो भी आपकी करंट वैल्यू है वो आप एग्जिट सरेंडर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो 5 साल का अगर आपने प्रीमियम दिया है, 5 साल के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आगे आई कैन नॉट पे एंड आई वांट टू सरेंडर दिस पॉलिसी। सरेंडर वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू और सरेंडर का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो सरेंडर करना है तो 5 ईयर के बाद कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आपको पैसे जो भी आपकी उस टाइम वैल्यू होगी फंड की, फंड वैल्यू होगी आपकी, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी विदाउट एनी चार्जेस। तो ये बाय रूल है, बाय लॉ है, दे कैन नॉट चार्ज एनीथिंग आफ्टर 5 ईयर्स। अब सेकंड थिंग आता है कि अगर ये सरेंडर मुझे 5 ईयर से पहले करना है, कि आपने सपोज 1-2 साल पहले ही यूलिप पॉलिसी स्टार्ट की है, तो क्या, अब वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट ही वहां स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बात कि 5 ईयर से पहले तो जो पैसे आपने डाले हैं यूलिप में, इन्वेस्ट किए हैं, तो वो वापस तो 5 साल के बाद ही मिलेंगे, तो दैट इज अ लॉ एक तरह से, मतलब ठीक है, तो 5 ईयर से पहले आपने जो पैसे डाले हैं वो नहीं मिल सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने सपोज 50,000 रुपीज ईयर की यूलिप पॉलिसी ली है, 2 साल मैंने पे किया, 1,00,000 रुपये पे किया, और उसकी वैल्यू सपोज अभी 1.1 लाख रुपीज है सपोज, तो अब मुझे 1.1 लाख रुपीज 5 साल के बाद ही मिलेंगे, मतलब जो भी उसकी थोड़ा बहुत वो गेन होगा मैं कैसे बताऊंगा कैसे होगा, बट वो 5 ईयर के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले आप वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पार्शल विड्रॉल, फुल विड्रॉल वो अलाउड नहीं है 5 ईयर के बाद, ये तो ये क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं फिर, कर ये सकते हैं हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी को, मतलब ये है कि हमने 50,000 का दो साल एक एक साल दिया, अब आगे मैं प्रीमियम ना दूं, ये कर सकता हूँ मैं, भाई मैंने 2 प्रीमियम दिए बट 3rd, 4th, 5th मेरे को नहीं देना और, क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है, या फिर मुझे समझ आ गया है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप अब आगे देन यू कैन डिसकंटिन्यू दैट पॉलिसी, वो कर सकते हो आप, उसका क्या प्रोसेस है वो समझा देता हूं मैं आपको। तो अब अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको एप्लीकेशन देनी है, बताना है उनको, या तो प्रीमियम मत दो सिंपल,
ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई मैं आगे प्रीमियम नहीं देना चाहता, आई वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू दिस पॉलिसी। सरेंडर तो 5 साल, पैसे तो 5 साल के बाद ही मिलेंगे जो पैसा दिया हुआ है, बट आई वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू। तो उसके बाद वो क्या बोले करेंगे, वट दे विल डू इज कि अगर आपने डिसकंटिन्यू का रिक्वेस्ट रेज किया है तो दे विल शिफ्ट योर मनी। एक तो आपको इंश्योरेंस जो भी मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो वट एवर यू आर गेटिंग सम इंश्योरेंस आउट ऑफ इट, तो दैट इंश्योरेंस वो आपका जीरो हो जाएगा इमीडिएटली वंस यू रेज द डिसकंटिन्यूएशन रिक्वेस्ट। तो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कि जो अब आपने मान लो उसको इक्विटी फंड में पैसा डाला है, डेट फंड में पैसा डाला है, तो दे विल ट्रांसफर दैट मनी एग्जिस्टिंग, जो मेरा 1.1 लाख रुपीज जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल में, तो वो 1.1 लाख रुपीज अगर था तो दैट दे विल ट्रांसफर टू अ डिसकंटिन्यूएशन फंड। ये एक अलग से फंड जो है बाय अगेन बाय IRDA रूल वो बनाना पड़ता है इन इंश्योरेंस कंपनीज को। सो दे विल ट्रांसफर, आपने किसी में भी डाला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसकी करंट वैल्यू है, जैसे ही आपका रिक्वेस्ट गया डिसकंटिन्यूएशन का, आप नहीं डाल रहे हो, दे विल चार्ज सम ग्रेस पीरियड वगैरह, आपको 15-20 दिन का सोचने का टाइम सम मिलता है, ठीक है, तो वो भी नहीं है, तो देन दे विल टेक दैट मनी एंड पुट इन अ डिसकंटिन्यूएशन फंड। तो उस डिसकंटिन्यूएशन फंड में फ्रॉम दैट डे, जिस दिन वो जाएगा, टिल द टाइम जब आप सरेंडर कर रहे हैं, जब आप 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप पैसा निकाल रहे हो, तब तक आपको सेविंग्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसमें 4% के आसपास, जो कि अभी मतलब चल रहा है, जो मैंने मतलब लेटेस्ट जो पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट देखे, बट आपको डॉक्यूमेंट में उसका डिसकंटिन्यूएशन फंड का परसेंटेज रेट भी दिखा होता है। एज आई सेड, इट इज अराउंड 4%, आई थिंक एक रूल भी 4% के आसपास का कुछ है, तो 4% रिटर्न आपको उसमें मिलेगा इरिस्पेक्टिव मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब वो आपका फंड से गला हुआ है तो डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला गया, ठीक है, तो 4% मिलेगा उस पर। वो 4% पे भी आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस 0.5% के कटेंगे, तो बेसिकली 3.5% मिलेगा वो भी, ठीक है ना, तो 0.5% के फंड मैनेजमेंट चार्जेस वो भी कटेंगे उस पर, तो 3.5% आपके उस डिसकंटिन्यूएशन फंड में जब तक लास्ट तक आपको वो मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ बेसिकली दिस डिसकंटिन्यूएशन थिंग विल वर्क, ठीक है, तो आप समझ गए अब। तो दिस इज हाउ आपको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, सरेंडर आप पहले नहीं कर सकते हैं, सरेंडर फिर आप 5 साल के बाद यू कैन, जैसे कंप्लीट हो गया आपका वो डिसकंटिन्यूएशन फंड, आपका टोटल 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया पॉलिसी का, तो आप सरेंडर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपको पैसा जो है वो अकाउंट में आ जाएगा। अब ये चीज़ें प्रोसेस ऑनलाइन है क्या हमारा जो ये एग्जिट का, तो कुछ पॉलिसीज ने जो है ये प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, तो यू डोंट हैव टू गो टू द, मतलब काफ़ी सारे अभी भी ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जाना पड़ेगा आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ, अपने पैन कार्ड के साथ, राइट, जो आपने प्रीमियम पेइंग है उसकी हिस्ट्री के साथ, वो सब चीज़ों के साथ आपको जाना पड़ता है, एंड देन रिक्वेस्ट देनी पड़ती है सरेंडर की, तो देन ओनली दे गिव बैक द मनी। बट नाउ आई थिंक मैंने भी रिक्वेस्ट सीरियस, एक पुरानी मेरी पॉलिसी थी तो मैंने रिसेंटली ही उसको एग्जिट लिया, तो वो सब प्रोसेस मेरा ऑनलाइन हो गया। तो काफ़ी सारी अभी कंपनीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर दिस कि भाई ऑनलाइन हमें एग्जिट देना है सरेंडर चार्ज, मतलब वो सरेंडर कर सकते हैं, तो आप जो है ये सारी रिक्वेस्ट कुछ कंपनीज में ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी भी कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विच आई वाज, एंड देन विद कैंसिल चेक एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू सबमिट द रिक्वेस्ट, एंड देन ओनली द मनी विल कम टू योर अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ द ओवरऑल सरेंडर थिंग इज। हाँ, अब एक और चीज़ है कि आपने ये डिसकंटिन्यू किया, इसकी पेनल्टी भी है, ठीक है, तो क्या पेनल्टी है इसकी, तो इस पर भी रूल जो है काफ़ी क्लियर जो है रखे हैं IRDA ने। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी क्या कहते हैं वो चार्ज किया जा सकता है, तो उसमें भी एक मैक्सिमम लिमिट्स है, ठीक है, कि अगर आपका 25,000 से कम वो है क्या कहते हैं प्रीमियम है साल का, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर, एक साल ही आपने प्रीमियम पे किया है और उसके बाद आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, पैसे आगे नहीं दिए, एक ही साल प्रीमियम पे किया है, तो आपको मैक्सिमम 3,000 रुपये दे कैन चार्ज एज अ डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस या सरेंडर चार्जेस, कुछ भी बोलो, क्योंकि सरेंडर तो एक्चुअली 5 साल के बाद हो रहा है, बट डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस तो मैक्सिमम 3,000 रुपीज दे कैन चार्ज, ठीक है। तो मान लो आपने एक ही प्रीमियम दिया, सपोज 20,000 का दिया, तो आपको 17,000 रुपये प्लस उसकी जो फंड वैल्यू वगैरह है वो मिलेगी, मतलब वो मिलेगी, मतलब वो उस वैल्यू पे आएगा और वो फिर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा डिसकंटिन्यूएशन फंड में। तो अगर आपने ये 2 साल के बाद किया तो 2,000 रुपये का मैक्सिमम है, 1,500 रुपये, और फोर्थ ईयर के बाद किया तो 1,000 रुपीज का मैक्सिमम आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज, ठीक है। सो दिस इज वन। अगर 25,000 से ज़्यादा है तो फिर अमाउंट जो है थोड़ा डिफरेंट है, बट अगेन दिस कैन बी डिफरेंट इन पॉलिसीज, बट ये मैक्स अमाउंट दे कैन चार्ज। कई पॉलिसीज ने
कम किए हुए चार्जेस कुछ कुछ थे, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर 25,000 से ज़्यादा है तो सपोज हमारा 40,000, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का अगर हमारा प्रीमियम है, तो एक साल के बाद ही, एक ही प्रीमियम के बाद आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो 6,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम चार्जेस आपका डिसकंटिन्यूएशन का लग सकता है। और 5,000 अगर दो साल के बाद किया, 4,000 तीन साल के बाद किया, और चार साल के बाद के 2,000 रुपये मैक्सिमम दीज कंपनीज कैन चार्ज यू फॉर बेसिकली एग्जिटिंग या फिर डिसकंटिन्यूइंग दैट पॉलिसी। तो ये एडिशनल चार्ज और याद रखना कि अगर आपने डिसकंटिन्यू किया ये चार्जेस लगेंगे आपको, ठीक है, और फिर आपको बेसिकली वो 5 साल के बाद पैसा सरेंडर होगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली ये जो है बेसिकली यूलिप का ओवरऑल सरेंडर पॉलिसी वर्क्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, और इसमें कुछ सारे सिंगल प्रीमियम का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एक नॉर्मल ईयरली पेमेंट्स वाले का दिया है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है आपकी तो थोड़ा से चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा प्रीमियम एक साथ दे दिया तो वहाँ पर थोड़े रूल्स अलग हैं, तो वो आई एम नॉट डिस्कसिंग हेयर मेजरली, बिकॉज मोस्टली लोग जो हैं वो ईयरली ही यूलिप का पेमेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने वही एग्जांपल दिया है, बट देन देर आर डिफरेंट रूल्स फॉर लिटिल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, जय हिंद।